प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के अंदर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया जिसमें 2,00,000 महिलाएं शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर किया। पीएम मोदी का कहना है कि इन पार्टियों ने सरकारों ने महिला आरक्षण बिल को सालों तक लटका कर रखा, इसे पास यहां पर नहीं होना दिया गया। तो केरल ही नहीं पूरे दक्षिण भारत का किला साल 2024 के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा खास है। अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें यहां पर जीतनी है, हासिल करनी है, तो उसे दक्षिण भारत के राज्यों में ऐतिहासिक जीत किसी भी कीमत पर हासिल करनी ही होगी। और यही दक्षिण को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में साल 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के राज्य केरल में एक जबरदस्त रोड शो किया है और इस रोड शो में बड़ी संख्या में केरल की लाखों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं दक्षिण भारत के ही राज्य कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर है। और दक्षिण भारत के ही हैदराबाद में ओवैसी ने राम जन्मभूमि पर एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसकी आंच पूरे देश में महसूस की जा रही है। यह है साल 2024 का दक्षिणी युद्ध जिसमें हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत से जूझ रही है। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो फिर कर्नाटक में सदियों पुराने इस विवाद पर राजनीति क्यों शुरू हो गई है, आपको आगे बताएंगे। ओवैसी ने हैदराबाद में ऐसा क्या बयान दिया है जिस पर अयोध्या से पलटवार शुरू हो गए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। दक्षिण युद्ध की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे केरल के त्रिशूर में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2,00,000 महिलाओं की विशाल जनसभा को संबोधित किया। केरल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को 50% से ज्यादा पाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी इस लक्ष्य को तभी हासिल कर सकती है जब महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करें, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं का बंपर समर्थन हासिल हुआ। मध्य प्रदेश के इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में एक बड़ा रोड शो किया है। केरल की हजारों महिलाओं ने पुष्प की वर्षा करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये कार्यक्रम बीजेपी की केरल यूनिट के द्वारा आयोजित किया गया है जिसमें केरल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने संसद के दोनों सदनों महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम का नाम है स्त्री शक्ति मोदिक ओपम। इसका मतलब है प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। केरल के त्रिशूर के थिकिंडू मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में
महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। आंकड़ों को देखें तो साफ पता लगता है कि साल 2014 में मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के बाद केरल में बीजेपी का वोट परसेंटेज दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 6.31% वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 10.33% वोट मिले थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 10.6% वोट मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 13% वोट मिले थे और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 11.30% वोट मिले थे। दक्षिण का किला बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव में झटका लग चुका है और तेलंगाना में बीजेपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन अभी वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है। तमिलनाडु में भी बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन का अनुमान लगा रही है। ऐसी स्थिति में दक्षिण के किले में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लिया है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूल पुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको ले चलते हैं कर्नाटक, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक और धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने हुबली में श्रीकांत पुजारी नाम के एक कार सेवक को गिरफ्तार कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कार सेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 1992 में हुई हिंसा के एक मामले में हुई है। यानी कर्नाटक पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। इस पर कर्नाटक बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि श्रीकांत पुजारी एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक है और वो 1992 के दंगे में शामिल नहीं था, जबकि सिद्धारमैया ने कर्नाटक पुलिस का बचाव करते हुए बयान दिया है कि बीजेपी को श्रीकांत पुजारी के खिलाफ लगाई गई चार्जशीट पढ़नी चाहिए। बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया। अब कर्नाटक में राजनीतिक युद्ध इस सवाल पर छिड़ गया है कि श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी सही है या गलत। वहीं हैदराबाद के भवानी नगर में एक मदरसे के अंदर बैरिस्टर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक जलसा काफी चर्चा में है। वैसे ओवैसी का ये भाषण लगभग 40 मिनट का है, लेकिन इस भाषण के आखिर में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर टिप्पणी कर साधु संतों को नाराज कर दिया है। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सला और हय्याल फला की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सला तो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। साल 2024 के पहले दक्षिण का चुनावी युद्ध काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी गठबंधन अपने किले को बचाने का भरपूर प्रयास करने वाला है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी दक्षिण के किले पर पूरा जोर लगाने वाली है।